सुल्तानपुर में रैली करेंगे वरुण गांधी। 23 मई को वरुण गांधी प्रचार करेंगे, मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगेंगे। सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं मेनका गांधी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 23 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के लिए तूफानी दौरा करेंगे। सुल्तानपुर के एक दिवसीय दौरे पर वरुण गांधी दर्जन भर नुक्कड़ सभा करेंगे। सुल्तानपुर लोकसभा सीट की पांचों विधानसभाओं में वो तूफानी दौरा करेंगे। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होगा। एक तरफ जहां रायबरेली में एक मां ने अपने बेटे को जीत दिलाने के लिए जनता से भावुक अपील की, तो वहीं सुल्तानपुर सीट पर अपनी मां को जीत दिलाने के लिए उनके बेटे वरुण गांधी सुल्तानपुर पहुंचेंगे। 23 मई को सुल्तानपुर की जनता से भावुक अपील करते हुए नजर आएंगे। एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंच रहे वरुण गांधी, ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं से उनका ये कार्यक्रम लैस होगा। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में माँ बेटे का रिश्ता देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चुनाव में मेनका संजय गांधी को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। आगरा में 3 बड़े जूता व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। शनिवार 12 बजे से शुरू हुई छापेमारी अब तक जारी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रामनाथ डंग के घर से 53 करोड़ रुपए और मंशू फुटबियर के यहां से 3 करोड़ कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही करोड़ों रुपये की पर्चियां भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा तीनों ने प्रॉपर्टी और ज्वेलरी में करोड़ों रुपये का इन्वेस्ट किया है। उसके कागजात भी आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। अम्बेडकर नगर में प्रेमी से शादी की मांग को लेकर प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और युवती को समझाने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद युवती को नीचे उतारा गया, जहां गिरगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गिरगंज सीएससी स्वास्थ्य केंद्र के बगल एक टावर है, उसी टावर पर एक लड़की चढ़ गई थी जिसका नाम प्रीति है, उम्र करीब 23 वर्ष है। ये इसके पिता का नाम समरजीत है, यह सोलहवा की रहने वाली है। ये एक लड़का उत्तम निषाद है, उसे शादी करना चाहती है। वो शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं है, इसी से दुखी होकर के वो चढ़ गई थी। थाने को सूचना मिली है, इंस्पेक्टर साहब गए, हम भी गए थे, वो समझाने बुझाने पर नीचे आ गई है, थाने ले आया गया है। अभी उस लड़के को बुलाया जा रहा है, घर वालों को बुलाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। खबर नोएडा से है, जहां पर एसीपी महिला सुरक्षा और एएसटीयू यूनिट ने देर रात स्पा सेंटर में रेड की। मौके से 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक आरोपी फरार हो गया है। कब्जे से मोबाइल फोन, कैश, विजिटिंग कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खबर आगरा से, वाहन चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रांस कॉलोनी से एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस इस फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में एक नाले से पिछले सप्ताह एक शख्स का शव मिला था। पुलिस ने इसी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मृतक का नाम दीन मोहम्मद था, जो मेरठ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 1.5 महीने पहले मृतक दीन मोहम्मद और निकित गुर्जर की आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद दीन मोहम्मद ने निकित की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की और इसी बात का बदला लेने के लिए निकित ने दीन मोहम्मद की हत्या कर दी। बाकी फरार अभियुक्तों की भी तलाश जारी है। हत्या के पीछे का जो मोटिव अभी तक प्रकाश में आया है, उससे ये निकल करके आया है कि करीब 1.5-2 माह पूर्व जो मृतक है, उसने एक अभियुक्त निकित जो है इसकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी, जिसको लेकर के निकित इसकी तलाश कर रहा था। और जब 14/15 की रात्रि में निकित अपने दोस्तों के साथ इसको ढूंढते हुए आया, तो ये वहाँ पर मिला और इसको उन्होंने वहां पे अपहरण किया, उसका गाड़ी में उसके साथ मारपीट की। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।